हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे इस चैनल पर कुछ बच्चे जो टॉक किए हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका नाम भी? नितिका जायसवाल। आप अपने बारे में बताइए, अपना एड्रेस बताइए। मेरा नाम नितिका जायसवाल है, मैं यूपी से हूँ। मेरे पिता का नाम मिस्टर जितेंद्र प्रसाद जायसवाल है। तो आपका रिजल्ट आ गया, कैसा लगा रिजल्ट आपको और क्या रिएक्शन है आपका, आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदारों का? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुई हूँ और फिर मेरा मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आया कुछ सब्जेक्ट में, और फिर मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी हेल्प करते थे। और इस हमारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, हमारे जो टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे या कैसे करते थे, और घर का काम उसी में रहता था, स्कूल भी रहता था, कोचिंग भी रहता था, उस सब आप मैनेज कैसे करते थे? उसमें मुश्किल से कॉलेज कोचिंग करने के बाद, फिर जब ये कोचिंग बंद हो गया उसके बाद ऑनलाइन स्टडी करती थी, उसके एक्स्ट्रा भी मैं 5 घंटे डेली पढ़ती थी। तो क्या घर का काम नहीं करना पड़ता था? थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता था, नहीं तो नहीं। और क्या आपको लगा कि इतना पढ़ रहे हैं तो कैसा मार्क्स आएगा? क्या आपको डर लगता था पेपर देने से पहले, या क्या कैसा लगा? हाँ, ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डर लगा था, लेकिन उसमें अच्छा आया है। और जब आपने देखा कि आपका जो रिजल्ट है, जितना आपका जो परसेंट आया है, तो कैसा लगा कि आपके परिणाम से जो है आपको कैसा लगा? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो जो आपका रिजल्ट आया उससे आप सहमत हैं? हाँ। आप अपने टीचर को क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी अपने कॉलेज के टीचर को मतलब धन्यवाद अपने कहना चाहती हूँ, और टॉप 10 क्लासेस का भी धन्यवाद कर, उसके सहायता से मेरा काफ़ी फायदा हुआ है ये फिजिक्स में। आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं, जो आपका परिणाम आया है उसका आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? ये तो पहले मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद ये मेरे कॉलेज को और ये टॉप 10 क्लासेस को। अब आप आगे अपने आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, या भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और बच्चे जानना चाहते हैं कि परीक्षा के समय बहुत तनाव होता है, क्या आप अपने आप को आपने कैसे हैंडल किया, इस तनाव से कैसे मुक्त पाए? मुझे तो कोई टेंशन रहता ही नहीं था, बस ये रहता था कि मार्क्स कैसा आएगा, बस सिलेबस कंप्लीट करते थे, जो भी रहता था उसे पढ़ते थे, हैंडल करते थे। एक मैसेज, लाखों छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उन छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि आप कैसे तैयारी कीजिएगा? जैसे कि सब बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, मतलब ये स्वयं से पढ़ने से बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्टर का भी बहुत अच्छा हाल होता, मतलब ये रहता है काम इसमें। जैसे कि अगर आपको कोई भी हार्डवर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग टॉप 10 क्लासेस से जुड़ें। बधाई हो आपको, इतना अच्छा आपका परिणाम आया है, आगे आप उन्नति करें, हमेशा उज्जवल भविष्य बने आपका।